और तुमसे सरकार नहीं बदलनी, सरकार बदलेगी तो जनता बदलेगी, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें देख रही है वहां बैठ के बैठ जाइए। बहुत शोर मचा लिया कल आपने, बहुत शोर मचा लिया, आराम से बैठ जाइए, कल मचा लिया बहुत शोर। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, उन्होंने जो कहा आपने सुना, पढ़ाओ की बात चल रही है, एक मिनट सुनिए, मैं सुनारे की बात कर रहा हूँ आपका। नैनपाल रावत जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष जी, लगभग पिछले 8 साल से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में एक से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे मैं सड़कों की बात करूं, मैं भवनों की बात करूं, मैं शिक्षा की बात करूं, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष जी, फिर भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की गुंजाइश रहती है। ई टेंडरिंग के मुद्दे पर मेरा भी सरकार को आग्रह है कि इसमें कम से कम सरपंचों को, क्योंकि 2 से 2.5 साल चुनाव लेट हुए हैं, तो कम से कम 20 लाख रुपए की पावर पंचायतों को दी जाए। लगभग 6500 पंचायतें हमारे प्रदेश में लगती हैं। इसके साथ साथ सभी योजना परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों में भी सरकार ने अग्रणी होने का कार्य किया है। मैं आज कुरुक्षेत्र से चलकर गीता जयंती समारोह, जो आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देश मनाते हैं, योग के माध्यम से भी हमने देश के बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ा है। और जहां तक बेटी बचाओ बेटी अभियान, पढ़ाओ अभियान की बात है, जिसका कल हमारे विपक्ष के सदस्य एक केस के द्वारा इस सदन में इस अभियान का मजाक उठा रहे थे, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने बेटियों के लिए हर 15 किलोमीटर पर एक कॉलेज देने का कार्य किया है। 250 किलोमीटर तक जब बेटियां जाती हैं तो उन्हें मुफ्त परिवहन, मुफ्त यात्रा का अधिकार दिया है। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हमारी सरकार ने दी हैं बेटियों के पटके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केस इस तरह के हुए हैं। अगर मैं बहुत लंबे समय तक एनडी तिवारी जी, जो कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, उनके ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे, उसकी जांच भी हुई। आराम से सुन लो, कल बहुत शोर मचाया आफ्ताब जी, आराम से सुन लीजिए, कल बहुत शोर मचाया तो इस बात को लेके, इस नारे का बड़ा मजाक उड़ाया है। मैं बेटी बचाओ बेटी अभियान पर बोल रहा हूँ जी, मैं बेटी बचाओ बेटी अभियान पर बोल रहा हूँ। हर चीज का, हर पहलू का एक जांच होती है, एक मुकदमा दर्ज होता है, जांच होती है। अध्यक्ष जी, मैं केवल उस बात के लिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने इस अभियान का, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको ये बात समझनी चाहिए कि 2011 के बाद, इस अभियान के बाद कितना अंतर लिंग अनुपात में बेटा और बेटी का जो रेशो था वो 917:833 से 917 हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको अपनी बात अपने तरीके से कहनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई अच्छी स्कीम अगर क्षेत्र की बेटियों के लिए, प्रदेश की बेटियों के लिए बनाई है तो उसके विषय में आपको ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए। आपको सरकार बदलनी है, आप नारे लगा रहे हो यहाँ बैठकर इस केस की आड़ में को लेकर। गीताजी, कल आपने बहुत कहा और आप सुन लीजिए, मुझे बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना। झज्जर की बेटी है जिसको लेकर सारी पंचायतें, सारी खाप पंचायतें और सारे हम सभी उस बेटी के साथ हैं, लेकिन आपने सरकार के इस नारे का दुरुपयोग किया है, आपने इसके खिलाफ बोला है। मैं आपको उसके लिए कह रहा हूँ, हर चीज की जांच होती है। और भाई आप आराम से नारे का मजाक बना रहे हैं, तुम कल उठो तुम नारे का मजाक बना रहे हैं, कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का मजाक बना रहे हैं। कैसे रखी जाती है बेटियों की इनकी सरकार में, जो एक ऐसी योजना सरकार ने चलाई जिसका लाभ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं तथ्य पर बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं इसके साथ साथ एक
आराम से बैठ जाइए, कल बहुत शोर मचा लिया आपने, कल बहुत शोर मचा लिया, बैठ जाइए बैठ जाइए, बहुत शोर मचा लिया कल आपने, बहुत शोर मचा लिया, आराम से बैठ जाइए, कल मचा लिया बहुत शोर। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, उन्होंने जो कहा आपने सुना, पढ़ाओ की बात चल रही है, एक बार सुनिए, मैं सुनारे की बात कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए जी। उन्होंने ये कहा कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का मजाक बनाया, अपमान किया इन्होंने इस नारे का। 833 जो पहले सेक्स रेशियो था, आज 913 है, 917 है, आज 913 उन्होंने ये बात कही है, 917 आज मैंने ये बात कही है। मुझे ऑब्जेक्शन है, देखो बेरोजगार लड़के तो ब्याह नहीं, 25 लाख लड़के बेरोजगार हैं, फिर वो 25 लाख लड़की अगर चलिए आप इसके ऊपर तो कहां गई थी लड़कियां, ये अध्यक्ष जी सरकारी आंकड़े हैं, अध्यक्ष जी लड़कियों को टाइम लगेगा पड़ी होने में, अध्यक्ष जी एक मिनट कमर पाजी, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अभी तो बच्चियां 6-7 साल की हैं, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी एक मिनट बैठ जाए बैठ, नहीं बट ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलने लगोगे, नहीं उन्होंने ये कहा कि सेक्स रेशो के अंदर सुधार हुआ है, आप उसका मजाक बना रहे हैं, नारे का मजाक मत बनाइए ना, उस नारे को मजाक मत बनाइए, अगर कहीं घटना की हुई है उसकी निंदा कर, पर ये नारा दिया था उस नारे का कितना फायदा हुआ है आपको उसको असेस करना चाहिए। अध्यक्ष जी आप अभी बैठ जाइए, बहुत शोर मचाया कल, बहुत शोर मचाया है, उसका सुन लो जरा, बहुत शोर मचाया है, मलिक साहब सुन लीजिए, अरे हम बेटियों के हक में वही बात बता रहे हैं, तुमने तो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया वो सब जग जाहिर है, पूरी हरियाणा जानता है, आज 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 ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इसीलिए लाई गई है, आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज अध्यक्ष जी आज ऑनलाइन भाई आप बैठ जाइए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को इसीलिए लेके आई कि किसी महिला को किसी नेता के सामने जाके ये नहीं कहना पड़े मेरा ट्रांसफर कर दो मेरी पोस्टिंग कर दो, हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, आप आराम से सुन लीजिए, बड़ा मजाक बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बैठ जाइए भाई मलिक साहब, आपको और कादियान साहब को तो इन्होंने रिटायर कर रखा है, ये कहते हैं कि ये सब झूठे आंकड़े पेश करते हैं, हाथ जोड़वा लो बैठ जाओ, इनके ही लोग कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं, सैनी साहब हाथ जोड़ कर कहते हैं बैठ जाओ अभी कादियान साहब को कि बैठ जाओ। अध्यक्ष जी इसके साथ साथ जो एक मिनट, जो बात जायज है मैंने जायज भी कही है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेके आप यहाँ बोलते हो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये बाहर नारे लगते हैं संसद में नहीं लगते, और तुमसे सरकार नहीं बदलनी, सरकार बदलेगी तो जनता बदलेगी, जो तुम देख रही है बाहर बैठ के। अध्यक्ष जी